नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल सूरज कुमावत में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड में आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे सुधार कर सकते हैं, नाम में सुधार कर सकते हैं, मोबाइल नंबर में, जन्म तिथि में, एड्रेस में या लिंक में। दोस्तों कई सारे आधार कार्ड में सुधार किए जाते हैं, वो हम अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों एक नॉलेज मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आधार कार्ड में ये तभी सुधार हो पाएंगे जब आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर होंगे। अगर आपके आधार कार्ड में पहले से मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो आप इनमें से कोई भी सुधार कर पाएंगे, या पहले से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसे आप बदलना चाहते तो भी आप बदल पाएंगे। कैसे क्या करना है आइए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे नॉलेजबल टाइप की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले, अगर आपके पास कंप्यूटर है या मोबाइल है, दोनों में सेम प्रोसेस है। आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है ई आधार कार्ड, एंटर करना है। ई आधार कार्ड टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट में जाना है UIDAI.covin। ठीक है दोस्तों, आप ये सेम मोबाइल में भी कर सकते हैं। ये इस तरह की वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पर माई आधार में जाना है, डाउनलोड आधार के ऑप्शन में चले जाना है। एक बार आप डाउनलोड आधार के ऑप्शन में चले जाइए, यहाँ पर आपको न्यू वेबसाइट ओपन होगी आपके मोबाइल में या कह दीजिए कंप्यूटर के अंदर। इस न्यू वेबसाइट है माई आधार, जो कि अभी अभी एक महीने पहले आधार कार्ड ने जो है न्यू वेबसाइट ओपन की है अपनी माई आधार वाली। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आपको लॉगिन, ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल में भी आ रहा होगा, इस लॉगिन बटन पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहां पर अपने जो आधार नंबर है वो यहां पर आपको टाइप करने होंगे। मैं अपने आधार नंबर यहां पर टाइप कर देता हूं। आधार नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको जो कैप्चा है वो यहां पर फिलअप करना होगा। अगर आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है रिप्रेस भी कर सकते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहां पर आधार नंबर अपना डालने के बाद कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और OTP जाएगा जो कि आपके अभी वाले आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर OTP जाने वाला है। इंटरनल सर्वर एरर की प्रॉब्लम है तो हम वापस से दोबारा कोशिश करेंगे, मैं इस वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। अगर आपके भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है सर्वर डाउन की, इंटरनल सर्वर एरर की, तो आप इसको पूरा कट कर लीजिए और वापस से इसे ओपन कर दीजिएगा। मैं आपको स्किप करके दिखा देता हूँ, डायरेक्ट उसी पेज पर मैं आपको लाता हूँ। तो दोस्तों मैंने वापस से यहाँ पर जाके आप डाउनलोड आधार में जाके वापस से ये पेज ओपन कर दिया और सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, फिर मेरा OTP चला गया। तो ये आप दोबारा भी कोशिश करके देख सकते हैं, अगर आपके साथ भी कोई सर्वर डाउन या एरर कोई दिखा देता है तो दोबारा कोशिश करने से आपका ये काम हो जाएगा। OTP फिलअप करने के बाद दोस्तों लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। ये डैशबोर्ड अलग है दोस्तों, आप पुराने वाला डैशबोर्ड मत मानिएगा जो कि यहाँ पर आता है डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर। ये डैशबोर्ड अलग है और ये वाला डैशबोर्ड अलग है। क्यों अलग है, यहाँ पर देख सकते हैं चेक, ये जो इस पर आप क्लिक करके ये सारे डिटेल्स, यहाँ पर आपका फोटो वगैरह सब आ जाएगा। इसको फिलअप करना चाहे तो फिलअप भी आप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपको चेंजिंग करना है अपने आधार कार्ड के अंदर। अगर आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। आज हम अपडेट के बारे में करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा अपडेट आधार ऑनलाइन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसेस दिखा देगा, यहाँ पर आपको प्रोसेड टू अपडेट आधार कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिएगा नेम आपको चेंजिंग करना है तो नेम पर क्लिक करिए, डेट ऑफ बर्थ करना है तो डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करिए, जन्म जेंडर करना है तो जेंडर पे, एड्रेस करना है तो एड्रेस पे। फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको ऐसे नॉर्मली बता देता हूँ। यहाँ पर मैं एड्रेस पर क्लिक करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं
जेंडर पर क्लिक करता हूँ, ओके। फिर यहाँ पर प्रोसेस टू अपडेट आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारी डिटेल्स आ जाएगी। मैंने जैसे कि जेंडर पर क्लिक किया था तो यहाँ पर ये बता रहा है कि अभी करंट डिटेल्स ये बताएगी, और यहाँ पर मुझे फीमेल करना है तो फीमेल कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शन में जाएंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स मांग लेगी। यहाँ पर फिलहाल मैं बैक चल जाता हूँ। मैंने आपको नॉर्मली बता दिया है, आप यहाँ पर अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करके कोई भी जो है अपना नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। आगे आगे जैसे आप प्रोसेस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा। इसे हम जैसे कि मैंने जेंडर पर क्लिक किया था तो इसे हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ओके, क्योंकि हमें करना तो है नहीं, डिलीट कर दिया। यहाँ पर दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और काफ़ी सारी नॉलेजफुल टाइप की वीडियो भी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। अगर आप ई श्रम कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं एक अलग साइट में, एक अलग साइज में फोटोशॉप के अंदर, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।